तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMII पे। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको नए नए स्टॉक्स पे निवेश की राय भी देते रहते हैं और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। दोस्तों, आज भी बात करेंगे अशोका मेटकास्ट लिमिटेड की, क्योंकि इस स्टॉक में आज 10% के राउंड ब्रेकआउट हो गया है, अपर सर्कल लग गया है। ये जो स्टॉक है अब 24.29 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, इसके कारण भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर के टारगेट भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, अशोका मेटकास्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, नए आए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सारे जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों, ले चलते हैं पहले इसके लेटेस्ट अपडेट पे। दोस्तों, ये कंपनी, जैसे आपको पता ही है, मेटल सेक्टर की कंपनी है और इसके जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं। तो देख लेते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली नतीजे कैसे रहे हैं और आने वाले टाइम में इसके टारगेट क्या रहेंगे, क्योंकि पहले ये जो स्टॉक है ना, ये कुछ कंसोलिडेशन में ही चल रहा था, एक रेंज बाउंड काम करता ही आपको दिखाई दे रहा था। लेकिन अब क्लियरली एक ब्रेकआउट जो है वो इसके चार्ट में दिख गया है। तो डिटेल में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले भी हमने आपको कई बार बताया है कि जब आप किसी भी स्टॉक में निवेश करते हो तो उसके फाइनेंशियल जरूर एटलीस्ट अच्छी तरह स्टडी कर लो। क्योंकि क्या होता है, जब किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हैं, जब किसी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ होती है, तो फिर उस स्टॉक में ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी री रेटिंग होती है। जब प्रॉफिट बढ़ गया तो पीई मल्टीपल्स एडजस्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद स्टॉक की जो री रेटिंग है वो हो सकती है। तो इसलिए कंपनी के नतीजे चेक करके ही किसी स्टॉक में जो है वो निवेश करें। यहाँ पे देखो, रिवाइज्ड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द मार्च 31, ये 29 की न्यूज है, कल की न्यूज है। दोस्तों, कल इस कंपनी ने अपने रिवाइज्ड जो रिजल्ट्स हैं वो पेश किए हैं। आइए उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले कंपनी की टॉप लाइन, दैट इज सेल्स देखेंगे, फिर इस कंपनी के जो खर्चे हैं उनको भी समझेंगे और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। ये देख सकते हो, ये इसकी दोस्तों कल की न्यूज है, 29 मई 2024 की आई है। एंड रिवाइज आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग विच वॉज हेल्ड ऑन 28 मई को कंपनी की मीटिंग हुई थी, बोर्ड की मीटिंग हुई थी, ये इसमें रिजल्ट्स आए हैं। पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, फिर इसके जीएलई रिजल्ट्स देखेंगे। दोस्तों, किसी भी कंपनी की जो टोटल सेल्स होती है उस कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकेंडली क्या होता है, कई बार कंपनी की अदर इनकम भी आ जाती है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉपर्टी सेल की है, इन्वेस्टमेंट सेल की है, या कुछ अदर इनकम आई है, वो भी एक कंपोनेंट होता है। तो टोटल इनकम का कंपोनेंट हम देखेंगे, दैट इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम। तो टोटल इनकम जो पहले क्वार्टरली नंबर्स देख लो, फिर जीएलई नंबर्स बताएंगे। तो क्वार्टर फोर में, दैट द फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन द 31 मार्च, कंपनी की टोटल सेल्स 163 आई है, जबकि लास्ट ईयर मार्च में इट वाज नियरली 268। और यदि हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में कंपनी की जो सेल्स थी वो 21 थी। तो Q-on-Q बेसिस पे आप देख सकते हो कंपनी के नंबर्स में बहुत ही बड़ा जंप आया है और कंपनी की सेल्स में बहुत ही बड़ी ग्रोथ आई है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो Y-on-Y बेसिस पे एक रिडक्शन भी आई है, मतलब कंपनी के नंबर रिड्यूस भी हुए हैं। और यदि हम जीयर ऑन जीयर बेसिस पे देखें, फाइनेंशियल ईयर 23 का 24 के साथ कंपैरिजन करें, तो यहाँ पे स्लाइट रिडक्शन देखने को मिली है, ज्यादा रिडक्शन नहीं है, तो थोड़ी सी रिडक्शन हुई है। 291 से कंपनी की सेल्स कम होके टोटल इनकम जो है वो कम होके 278 हो गई है। क्योंकि आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सपेंस देखेंगे अब कंपनी का, कि कंपनी को एक्सपेंस में किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों, ये तो टोटल सेल्स होगी, सेल्स के बाद क्या होता है, कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है वो जीरो ऑन जीरो बेसिस पे देख सकते हो क्वार्टर फोर में रिड्यूस हो गए, 64 आया है इन द मार्च 24। मार्च 23 में 267 था, दिसंबर में 204.98 था। मतलब Q-on-Q बेसिस पे कंपनी के जो खर्चे हैं बढ़ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि Y-on-Y बेसिस पे रिड्यूस हो रहे हैं। तो सिमिलरली देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 23 के मुकाबले 24 में आप देख सकते हो ये कंपनी के खर्चे कम हो गए हैं, 282 से रिड्यूस होकर 154 हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों, कोई भी कंपनी जब टोटल इनकम जनरेट करती है, वहां से कुछ एक्सपेंस पे करती है, कुछ टैक्स पे करती है, उसके बाद कंपनी के पास क्या बचता है, वो है प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो टोटल टैक्स देखेंगे, पैट बिफोर टैक्स, एंड हम देख लेते हैं, चलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं, दैट इज अ नेट प्रॉफिट, वो हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों, पहले क्वार्टरली डाटा देख लो, तो Q4 में
कंपनी का जो पैट आया है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद, एक्सपेंस पे करने के बाद पैट जो है वो 67 आया है। दिसंबर में इट वाज 16.65, जबकि लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में इट वाज 0.84। तो क्लियरली एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है, कंपनी ने अपने खर्चे कंट्रोल किए हैं और सेल्स भी बढ़ाए हैं, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के नंबर्स पे दिख रहा है। और देख सकते हो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो क्वार्टर फोर में इम्प्रूव हो गया है। अब फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी की टोटल प्रॉफिट जो था वो 9.14 था, जो कि मैनीफोल्ड जंप करके 92 हो गया है, नियरली 10 टाइम्स ग्रो हो गया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही एक्सेलेंट नंबर है, क्योंकि दोस्तों मेन जो कंपनी का टारगेट होता है वो तो पैट होता है, दैट इज प्रॉफिट कमाना होता है, मुनाफा कमाना होता है। तो यहाँ पे कंपनी सक्सेसफुल नजर आ रही है, कंपनी ने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के ईपीएस पे भी दिखाई दे रहा है। तो ईपीएस भी बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट शो कर रहा है, जीएली नंबर्स भी और क्वार्टरली नंबर्स भी। तो एक तरह से कह सकते हो कंपनी के नंबर्स एक्सलेंट दिख रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ आई है। यही कारण है कि इस स्टॉक में 10% का अपर सर्किट लग गया है। आज आप देखिए तो 10% के अराउंड अपर सर्किट है। हम लास्ट बाद ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, कि लास्ट बाद ईयर में किस तरह के ट्रेंड आए हैं। यहाँ पे देखो बीच में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, 5 डेज में देखो 23% की ब्रेकआउट हो गई है, 1 मंथ में 27% की रैली है, 6 मंथ में 20% की रैली है, ज्यादा नहीं है, लेकिन 1 ईयर में 28% की और 5 ईयर्स में बहुत ही शानदार ट्रेंड है, 519% के मल्टी बैगर रिटर्न्स है। मतलब 5 सालों में इसने अपने निवेशकों का जो पैसा है वो 6 टाइम्स से भी ज्यादा ग्रो कर दिया है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये स्टॉक अब अपने हाईएस्ट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि नंबर्स एक्सेलेंट रहे हैं। तो इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो भी आप नोट कर लो, 34 के राउंड है। तो थोड़ी सी यदि आप पेशेंस दोगे तो ये स्टॉक 34 से लेके 40 तक के टारगेट तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए ऐसे स्टॉक को भी बाई करें, कोई भी डिप मिलता है बाई करें और पेशेंस के साथ होल्ड करें। कंपनी अच्छी है, कंपनी के नतीजे भी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में आपको मल्टी बैगर रिटर्न जरूर मिलेंगे। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हमारे चैनल पे नए आए हो दोस्तों, फिर यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में हम फंडामेंटल्स के बेसिस पे, फाइनेंशियल्स के बेसिस पे ही निवेश की राय देते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहती ही है। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को होल्ड करो और सही टाइम पे होल्ड करो तो आपका पैसा बनना श्योर है। सो थैंक्स अगेन।